देखिए क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मास इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी कैपिटल आर एंड कैपिटल जी वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअली ये किसके मास के बारे में बात कर रहे होंगे, अर्थ के मास के बारे में बात कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम अर्थ का मास हम निकालें कैसे जब तक कोई क्वेश्चन ना बने भाई, जब कोई क्वेश्चन बनेगी तभी तो हम अर्थ का मास निकालेंगे। हमें डायरेक्ट मालूम है स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन मालूम है, तो आप अगर नहीं मालूम है तो हम जानते हैं अर्थ सरफेस पे कोई बॉडी होती है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो ये होता है, और एफ बराबर क्या होता है, एम जी बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम एम कट गया तो जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट ये ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ मास की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था 1996 में, नहीं उस समय, अब ये हम नहीं कहेंगे उस समय इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि क्वेश्चन के ग्रेड में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 1996 क्वेश्चन है, नोट करिए।